कि चुनाव की घोषणा होने वाली है, अभी मतदाता सूचियों का काम चल रहा है, पूर्ण रूप से मतदाता सूचियां बनी भी नहीं है, अभी कई स्थानों बाकी हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण की स्थिति हो रही है, बिना परिसीमन किए हुए भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जब ये नियम है कि 10 साल में एक बार आरक्षण की प्रक्रिया के आधार पर उसका आरक्षण होता है, 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही अभी इस समय आरक्षण होना चाहिए। मुझे इस बात की घोर आपत्ति रही है, मैंने लिखित में भी इस बात को दिया है कि 2011 की जनसंख्या को आधार को चेंज करते हुए उन्होंने 2021 की जनसंख्या, 2020 की जनसंख्या को आधार मानकर छिंदवाड़ा को सामान्य श्रेणी से उन्होंने उसमें एसटी मेजर कर दिया है, जबकि इस बात के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रक्रिया का उल्लंघन है। मैंने इसको लिखित में आपत्ति की हुई है, आपत्ति का निराकरण मौखिक रूप से कहा है कि हम आपको जवाब दे देंगे, इसको अस्वीकार किया जाता है। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे भोपाल का ही मामला है, भोपाल में ओबीसी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ओबीसी होने के बाद 1999 में जो श्रेणी हो चुकी है उसी को आपने रिपीट कर दिया गया है, तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर ओपन होता है तो ओपन में महिला भी चुनाव लड़ सकती है, एससी भी लड़ सकता है, एसटी भी लड़ सकता है, सारे वर्ग के लड़ सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर रिजर्व कर देते हैं तो दूसरे वर्ग के लोगों को तो उससे वंचित किया जाता है। ऐसी घटनाक्रम बहुत जगह पर हो रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं है। आरक्षण की प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि विश्वसनीय नहीं लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवास वो अपने हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया लिख कर लाए हैं, बस ये इतनी कर ली, ये मान लिया, ये हटा दिया, ऐसा नहीं होता है। आरक्षण एक साइकिल को चलना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, वो पारदर्शिता नहीं आ रही जो आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शासन के द्वारा ही जो लीपापोती करने के लिए आदेश किया गया उसी हिसाब से काम किया जा रहा है।